दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नाइट्रोजन भरवाना हम लोगों के गाड़ी के टायर में कहां तक सही रहेगा, कहां तक नहीं, और नाइट्रोजन भरवाने के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो दोस्तों मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राइटर अमित में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन है क्या। तो दोस्तों नाइट्रोजन रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन एक गैस है जो हमारे वातावरण में 78% है और 21% ऑक्सीजन है और बाकी बचे हुए हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैस और वाष्प मौजूद है। बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में ये स्वभाव है उसका ऐसा नेचर है कि ना ही वो गर्मी मिलने से फैलेगी और ना ही ठंड के कारण सिकुड़ जाएगी। तो बात ऐसा हो गया कि भाई नॉर्मल एयर डालने से हम लोगों को एयर प्रेशर बार बार चेक करवाने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर नाइट्रोजन डालेंगे तो हम लोगों को ये प्रक्रिया बार बार दोहराना नहीं पड़ेगा। तो नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी जितने भी गैस वातावरण में पाए जाते हैं सभी का ये स्वभाव होता है कि गर्मी मिलने से वो फैलती है और अगर ठंड उसको मिले तो वो सिकुड़ जाती है। इसी कारण से हमारे गाड़ी के पहिए में जब हम लोग कंटिन्यू राइड थोड़ी लंबी करते हैं तो उसकी टायर प्रेशर बढ़ जाती है और कई जगहों पर तो वो टायर ब्लास्ट भी हो जाती है, फट जाती है। ठीक इसी के विपरीत अगर किसी गाड़ी में नॉर्मल एयर प्रेशर डाली हुई है और उसको हम 10 दिन 15 दिन यूज़ के लिए नहीं निकालते हैं तो उसकी टायर प्रेशर जो है वो कम हो जाती है। तो सवाल अब ये आता है कि भाई नॉर्मल एयर अगर चक्के में डाला जाए, अपने गाड़ी के पहिए में डाला जाए तो वो गर्म कैसे हो जाती है और वो कैसे फैल जाती है। तो दोस्तों हमारा गाड़ी जब रास्ते पर सरपट दौड़ती है तो गाड़ी के पहिए और रास्ते में एक फ्रिक्शन होता है और इस फ्रिक्शन से गाड़ी के पहिए में एक हीट जनरेट होती है। उस हीट के कारण अगर नॉर्मल हवा हम लोग डाले हुए रहते हैं अपने टायर में तो वो उस हीट के कारण फैल जाती है, क्योंकि उस हवा का ये स्वभाव है कि हीट मिलने से वो फैल जाएगी और फिर ठंड मिलने से वो सिकुड़ जाती है। तो आप लोगों ने बार कहीं सुना होगा कि भाई फलाने रोड पे हाई स्पीड में गाड़ी जा रहा था और चलते चलते उसकी टायर ब्लास्ट हो गई और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो इन सभी झंझटों से बचा जा सकता है अगर हम लोग नॉर्मल एयर प्रेशर की जगह नाइट्रोजन का यूज करेंगे। वैसे कई सारे एक्सप्रेस हाईवे पे ऐसा बड़े बड़े बोर्डों में मेंशन किया हुआ रहता है कि गाड़ी के पहिए में नॉर्मल एयर की जगह नाइट्रोजन का ही यूज किया जाए। आशा करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नॉर्मल एयर भराने से एक नुकसान ये भी है कि नॉर्मल एयर में वाष्प आर्द्रता नमी भी होती है, जो नमी गाड़ी के टायर के लिए भी हानिकारक है और टायर में जो लगे हुए रिम होते हैं उसके लिए भी हानिकारक है। वो नमी उसको भी कहीं ना कहीं डैमेज करती है। लेकिन जब बात नाइट्रोजन की करते हैं तो नाइट्रोजन अगर किसी गाड़ी के टायर में डाला जाए तो उसमें जो मौजूद ऑक्सीजन पहले से होती है वो उसको डाइल्यूट कर देती है और उसमें जो पानी का अंश बचता है उसको वो नष्ट कर देती है। तो नाइट्रोजन भरवाने से गाड़ी के पहिए का भी सही से रखरखाव होगा, वो डैमेज नहीं होगी और ठीक इसी के उल्टा उसमें जो लगे हुए रिम होते हैं उसको भी हानि नहीं पहुंचेगी। बात खर्चा की करें तो जहां नॉर्मल एयर 10-20 रुपए में हम लोग अपने गाड़ी में फिलअप करवा लेते हैं, लेकिन अगर नाइट्रोजन भरवाते हैं तो प्रति टायर 40-50 रुपये हम लोगों को देने पड़ेंगे। तो ऐसे अगर देखा जाए, खर्चे के हिसाब से देखा जाए तो नाइट्रोजन गैस काफ़ी महंगी पड़ती है नॉर्मल गियर के अपेक्षा। लेकिन
अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नाइट्रोजन फिलअप करवाना अपनी गाड़ी में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर आप लोग ये मानते हैं कि नाइट्रोजन अगर गाड़ी के टायर में डलवाया जाए तो उसकी हैंडलिंग और माइलेज इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है कि माइलेज पे तो असर इसका नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ हैंडलिंग जरूर बेहतर हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी है कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।